हाय दिस इज विजय एंड वेलकम टू विजय रेसिपीज। आज हम एक भिंडी की रेसिपी बनाएंगे, क्रिस्पी भिंडी फ्राई या कुरकुरी भिंडी। ये थोड़ा सा कैलोरीज बढ़ाएगा लेकिन आप इसे चीट डे भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं क्रिस्पी भिंडी फ्राई या कुरकुरी भिंडी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्रिस्पी भिंडी या कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम भिंडी लिया है। इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है और ये जाली में रख दिया है और इसे ड्राई क्लॉथ से हमने इसे वाइप कर लिया है। इसे अब हम कट करेंगे। सीड्स रहने से कुरकुरी भिंडी एकदम चिपचिपी हो जाएगी, इसलिए हम ये सीड्स हटा देंगे। इसे हम और पतले स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। एक भिंडी के हमने 3 पीसेस कट कर लिए। हमने सारे भिंडी को पतले स्ट्रिप्स में काट लिया है और ये बीज हटा दिया है। इसमें डालेंगे ये 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून आमचूर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून राइस फ्लोर चावल का आटा, 2 टीस्पून बेसन। लास्ट में हम डालेंगे ये नमक। भिंडी को हमने अच्छे तरह से मसालों में मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने ये मसालों को पेस्ट किया है, थोड़ा सा तीखा कम लग रहा है मुझे। तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। एक साथ भिंडी नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े बैचेस में इसे फ्राई करेंगे। इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। हमने फ्लेम बढ़ा दिया है, 2 मिनट के बाद हम फ्लेम कम कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम में 2 मिनट और फ्राई करेंगे। हमने टोटल 4-5 मिनट तक इसे फ्राई कर लिया है। नई भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो गया, क्रिस्पी हो गया है। इसे हम एक किचन टावल में निकाल देंगे। बाउल में हमने ये एक जाली रखा है, इसके ऊपर हम ये टिश्यू पेपर या किचन टावल डालेंगे और इसमें ये भिंडी निकाल देंगे। इसी तरह हम बाकी सारे भिंडी भी फ्राई कर लेंगे। हमने सारे भिंडी को क्रिस्पी फ्राई कर लिया है, इसे हम बॉल में निकाल देंगे। हमारा ये क्रिस्पी भिंडी फ्राई या कुरकुरी भिंडी तैयार है। ये रोटी पराठों के साथ बहुत टेस्टी लगता है। ये इवन दाल राइस या कर्ड राइस के साथ भी अगर खाएं तो ये एज अ साइड डिश बहुत ही टेस्टी लगता है।